बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। कोई चीज जो है, इस सरकार पूरी तरीके से तानाशाह रवैये से भाजपा के लोग जो चला रहे, ये लोग सांप और नेवला क्या बोलेगा और बोलने को बचा क्या है? अब जिसके छाती पे सांप लौट रहा है वो यही सब ना बोलेगा? अभी तो छटपटा रहे हैं लोग। 17 साल से सत्ता का सुख ले रहे थे, काहे ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिए? काहे ने ये भाजपा वाले लोग प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठ करके धरना देते हैं और कहते हैं कि बिहार को जो आपने स्पेशल पैकेज जो वादा किया था वो क्यों नहीं देते हैं? आप क्यों नहीं, मुख्यमंत्री जी तो अपना काम कर ही रहे थे। पटना सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो अधिकार, जो छात्रों की मांग थी कि भाई सेंट्रल का दर्जा दे दिया जाए, वो भी नहीं दिया उन्होंने। जातीय जनगणना को लेकर के किस प्रकार से भाजपा का रवैया था भाई, दोहरी नीति सामने आई थी। तो देखिए, और एजेंडा क्या था उनका कि समाजवादी राजनीति को ख़त्म करने का, क्षेत्रीय दलों को ख़त्म करने का, लोकतंत्र और संविधान को ख़त्म करने का। मतलब जो हुआ तो ललन सिंह जी ने, आदरणीय ललन बाबू जी ने तो सारी एक एक चीज की व्याख्या कर दी। नित्यानंद राय जो गृह राज्य, दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या हो रही है? तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव जो रोजगार देंगे, इस बात से लेकर दिक्कत हो रही है? दिक्कत किस बात से हो रही है, किस बात से हो रही है? किनको? बीजेपी को दिक्कत किस बात से हो रही है कि जो उनके हुजूरों का, दो हुजूर जो हैं, जो उनके हुकुम हैं, उनको काम को ये पूरा नहीं कर पाए तो हुकुम नाराज है। नाराजगी जो है, गुस्सा जो है, इन पे निकला है कि भाई तुमको हमने काम दिया था नीतीश जी को ख़त्म करने का, समाजवादी राजनीति क्षेत्रीय दल को ख़त्म करने का, विधायकों को तोड़ने का, खरीदने का, तुमने वो काम क्यों नहीं किया? उससे नाराज हो करके इन लोगों को झाड़ पड़ा है। और जब झाड़ पड़ा है तो हाथ से लेकर के सब हिल डोल रहा है, बिहार आ रहे हैं। अब विपक्ष मजबूत हुआ है तो आने वाले समय तो कही दिए भाई, हमारा तो योजना क्या है? हम लोगों का तो चाहे हम विपक्ष में रहे हो या सत्ता में आए, दो बार नेता विरोधी दल भी बने और दूसरी बार हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बने हैं। तो हमको तो जब भी मौका मिला है हमने जनता के सवाल को उठाया है जे नेता विरोधी दल, और जब मौका मिला था पिछले बार डिप्टी सीएम होने का तो आपने मेरे काम को भी देखा था। 18 महीने राष्ट्रीय जनता दल के इतने मंत्री थे महागठबंधन में, उस समय 2015 में जीते, एक दाग किसी मंत्री पे नहीं लगा था, एक दाग नहीं लगा था मंत्रिमंडल का। और आपने काम भी देखा था, जो CRF फंड 200 करोड़ रुपया बिहार को मिलता था वो हम 1000 करके आए, 53 RO भी दिलाए। ये जो गांधी सेतु का जब निर्माण हुआ ये हमारा ही काम की शुरुआत, इसको बंद करवाए थे, काम लगवाए थे, तब जा करके आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग सोनपुर दीघा वाला खोले थे, उसकी शुरुआत की थी। और कितना काम, कितने SH को हम लोगों ने कई NH में कन्वर्ट कराए, पुल पुलिया बनवाए, तो ये काम तो हुआ। ऐसा नहीं कि काम हम लोगों ने नहीं किया, 18 महीने एक छोटा पीरियड होता है। और उस समय तो हम, आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, पहली बार विधायक बने और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने तब इतना काम किया। तो अब तो इन 7 सालों में 2 बार हम उप मुख्यमंत्री बन गए, विपक्ष के नेता बन गए, तो अब कितना अनुभव हो गया। चुनाव भी जो है बिना राष्ट्राध्यक्ष जी के शारीरिक रूप से यहाँ ना होने पर भी हमने उस जिम्मेवारी को निभाया, ईमानदारी से हमने काम किया, तो लोगों का प्यार मिला है। कड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव को क्या CBI ED से डर नहीं लगता है? क्या तेजस्वी यादव को CBI ED से डर नहीं लगता है? आप जो कह रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव को CBI ED से डर नहीं लगता है? अरे भाई, आप तैयार हैं? जब हम पहली बार विधायक बने, डिप्टी CM बने,
जब हम काम कर रहे थे बिहार के लिए, नितिन गडकरी केंद्र से सहयोग भी हम जा करके झगड़ करके ले आते थे, एक फायदा पहुंचाते थे, जब नए नए थे तब सीबीआई के लोगों ने मुकदमा किया। कितने साल हो गए, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ गलती की होती तो सजा तो न्यायालय दे ही ना देती। तो खैर इस चीज़ पे हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। अभी ये सब मुकदमा लाता है, जब मेरा मूंछ नहीं था, जब हम क्रिकेट खेलते थे तब। अरे भाई हमने क्या गलत काम किया? हम जो 18 महीने अगर डिप्टी सीएम रहे हैं उसमें अगर हमने कोई गलत काम किया तो आपको इसमें कमी कोई मिली नहीं? कोई केस बना नहीं तो भाई कैसे बना? तो ये तो देखिए हम लोग निश्चिंत हैं। कल ललन जी ने भी तो एक बात कही, करने दीजिए ना भाई सीबीआई ईडी इनकम टैक्स। आओ भैया, मोस्ट वेलकम। हम तो न्योता देते हैं सीबीआई इनकम टैक्स के लोगों को, ईडी के लोगों को, आओ मेरे घर में दफ्तर खोल लो, तब जा कर के शांति होगी। और तब भी ना शांति हुई हो तो हम उससे ज़्यादा हम क्या कर सकते? कब करें आप बताइए ना। हम पूछ रहे हैं, हम करेंगे। मुख्यमंत्री जी आदरणीय, जैसा कहेंगे वैसा होगा, जब कहेंगे तब होगा। हम आप लोगों का प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी के पास रख सकते हैं कि पत्रकार भाई लोग ही चाहते हैं कि कब हो, वही तारीख बताना चाहते हैं। लोग आप बता दीजिए तारीख। है कि देखते हैं, देखते हैं चाचा भतीजा की सरकार कब तक रहती है, कब तक रहती है, देखते हैं। उन्होंने चैलेंज दिया कि देखते हैं कब तक रहती है चाचा भतीजा की सरकार। वो जब तक शांत रहते तब तक उनका चेहरा खिलता है। इस तरह की बातें बोलते तो अच्छे नहीं लगते। नीतीश जी का जब सामंजस्य नहीं बनता किसी के साथ तो वो पलट जाते हैं, कई बार हुआ। इस बार क्या गठबंधन महागठबंधन ही है और यही सरकार गरीब और जनता की सरकार है। सब चीज देख दाग के ना आए हैं, देश के हालात, राज्य के हालात, ये सब कुछ देख दाग के आए हैं। और आए हैं तो हम लोगों ने तन मन धन से स्वीकारा है और हम लोग समाजवादी लोग हैं। अरे भाई हम लोग समाजवादी लोग हैं। अरे भाई हमारा मैनिफेस्टो क्या था? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, यही सारी चीजें थी। अच्छा गिरिराज सिंह ट्वीट करने की रोजगार और जो योजना पहले से चल रही है वो तो चलेंगी ही, उसमें जो नए सुझाव होंगे हम लोग दे सकते हैं। वो तो बात की बात है, पहले एक बार ट्रस्ट वोट तो हो जाने दीजिए। आज ही आप लोग, आज ही आप लोग सब कुछ ले लेना चाहते हैं। पैदा हुए नहीं, मरने की तारीख पूछ रहे हैं।